Bismillahirrahmanirrahim. Salve e salve, della presenza anche mezzan della Yasin Johansa, della Raja Yagusa, sarà l'idea saggio di Yasin Tashiflai, di avere rapportato con il cane Bosni, o agli occhi umani, आपने उनको अभी सुना है ये मेरे नौजवान साथी हैं और मेरे इन्होंने बताया कि ये मेरे साथ वहाँ आज़ाद कश्मीर में भी रहे यहाँ भी न्यूयॉर्क में और दीगर जगहों पर दस मैं समझता हूँ कि दिस यंग मैन हैज अ ग्रेट फ्यूचर इन पॉलिटिक्स और मैं इसीलिए मैंने इनको साथ क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश होती है कि नौजवानों को आगे लाया जाए, तो I think that he will continue his efforts for the liberation of Kashmir and for the welfare of the people of Azad Kashmir. जिस तरह उन्होंने भी कहा कि मैं अभी छह मुल्कों के दौरे से तीन दिन पहले वाशिंगटन पहुंचा था और उसकी बुनियादी वजह ये थी इस तरह मेरे भाई और दोस्त भी हैं मेरे यासीन मलिक साहब क्योंकि मैं जब मकबूजा कश्मीर गया और आई एम द ओनली वन हू इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल फिगर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो मकबूजा कश्मीर भी गया हूँ श्रीनगर भी गया हूँ तो वहाँ पर ये मेरे साथ भी रहे इनका मैं बड़ा मशहूर भी हूँ जैसे वो बात कर रहे थे कि कुरान वाली की शहादत के बाद 10 माह गुजर चुके हैं और वहाँ पर मकबूजा कश्मीर के लोग एक जिद्दोजहद कर रहे हैं जिसे मैं कहता हूँ कि ये स्पॉन्टेनियस भी है क्योंकि 2001 के बाद एक फ्रस्ट्रेशन थी और उसमें एक जब बुरान वाली की शहादत हुई तो सब लोग उठ खड़े हुए ये इंडिजनस भी है क्योंकि ये सिर्फ रियासत के लोग ही सिर्फ मकबूजा कश्मीर के लोग ही इस जिद्दोजहद को चला रहे हैं पहले इंडिया ये प्रोपेगेंडा करता था कि शायद ये जो गन्स हैं पाकिस्तान या कहीं और से आती हैं या वो ये कहते थे कि इनकी ट्रेनिंग किसी और जगह से होती है लेकिन अब जब भारतीय जुल्म करते हैं भारत की 7 लाख फौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत करती है तो वहाँ के जो नौजवान हैं वो सिर्फ नारों से ज्यादा पत्थरों से जवाब देते हैं बंदूके तो पता नहीं कहाँ से शायद वो कह रहे हैं आती थी लेकिन पत्थर तो मकबूजा कश्मीर के हैं पत्थर जो नौजवान मारते हैं वो बाहर से नहीं आते दैट प्रूव्स के वो इंडिजनस मूवमेंट है और मैं ये भी कहता हूँ कि ये जमहूरी मूवमेंट है कि 1989 से लेकर 2001 में एक आम स्ट्रगल थी वहां पे लेकिन अब लोग जैसे मैंने कहा कि सिर्फ नारे लगाते हैं डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो इसलिए इस वक्त इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में ज्यादा भी जराय मिल रही है इस जो हमारी मूवमेंट है इसको इंटरनेशनल मीडिया में ज्यादा दिखाया जा रहा है जैसा यहाँ पर भी जिक्र किया गया कि बैलेट गन्स के जरिए खवातीन और हमारे बच्चों को ब्लाइंड किया जा रहा है बैलेट गन्स आप जानते हैं कि अक्सर जो मजहब माशरे हैं वहां पर जानवरों पर इस्तेमाल नहीं होती लेकिन मकबूजा कश्मीर में वहां पर बच्चों पर इस्तेमाल हो रही है भारतीय फौज को जबर कर रहा है और वहां पर इस कदर जबर के वहां पे हमारे स्कूल की जो बच्चियां हैं जो कॉलेज की बच्चियां हैं यूनिवर्सिटी की बच्चियां हैं वो फौज के सामने आ चुकी हैं और वहां पर उन्होंने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बंद कर दिया है और सोशल मीडिया को बैन कर दिया है और वहां पर जुल्म और बर्बरियत मैं समझता हूँ कि इतनी है कि मैं उन लोगों को सलाम पेश करता हूं और आज भी मैं ये समझता हूं कि शिकागो में जो हम सब यहां पर पाकिस्तानी और कश्मीरी
इकट्ठे हुए हैं इसका बुनियादी मकसद ये था जिस तरह राय साहब ने भी कहा कि हम इसलिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं हमारा जहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो कश्मीर पर मबजूल करवाना था जहाँ भारतीय परवरियत की कंडेमनेशन करना था उसमें सबसे बड़ा आज हमारा मकसद ये है कि हम मकबूजा कश्मीर के आवाम के साथ यकजहती का शिकागो से इजहार करते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो यकीन हो जाए तनहा नहीं है बल्कि हम जितने लोग बैरून मुल्क यहाँ पर हैं हम उनके साथ हैं और जब तक मकबूजा कश्मीर भारत से आज़ाद नहीं होता उस वक्त तक हम उनकी हमारी करते रहेंगे मैंने इससे पहले यूरोप का दौरा किया मैं सबसे पहले जर्मनी गया बर्लिन और मैंने वो जर्मन फॉरेन ऑफिस में भी जर्मन पार्लियामेंट में भी उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी फाउंडेशंस भी होती हैं उनसे भी कहा कि आप हमारे जख्मों को बेहतर समझ सकते हैं जिस तरह ये लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीरियों को तकसीम किए हुए है कश्मीरी कौम को तकसीम किए हुए है डिवाइडेड फैमिलीज हैं यू कैन अंडरस्टैंड ओवर एवरी मोर देन एनीबॉडी एल्स इसलिए आप हमारी हमायत करें उन्होंने भी यकीन दिलाया फिर मैं पुर्तगाल लिस्बन गया वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियन से उनसे भी मिला और वहाँ के जो चेयरमैन फॉरेन रिलेशन कमेटी थे उनसे बात हुई और उन्होंने मेरे साथ वादा किया कि हम पुर्तगीज पार्लियामेंट में जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत हो रहा है उसके खिलाफ वहाँ पर हम रेजोल्यूशन लाएंगे फिर मैं ब्रसल्स आया तो वहाँ पर जो साउथ एशिया की चेयरपर्सन है जीन लैमथ उनसे मुलाकात की दिग्गज यूरोपियन मेंबरान पार्लियामेंट से बात की और मेरे लिए और आपके लिए ये बड़ी खुशी की बात होगी एक उम्मीद की किरण होगी कि यूरोपियन पार्लियामेंट भी इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते में मकबूजा कश्मीर के आवाम के साथ यकजहती के लिए और भारतीय फौज की कंडेमनेशन के लिए एक रेजोल्यूशन पेश करेगी जिससे यकीनी तौर पर दुनिया की तवज्जो वहाँ पर मकबूल होगी इसी तरह मैं क्योंकि हमारा जो मसला है वो कुछ आयरलैंड से मिलता जुलता है इसलिए मैं डबलिन भी गया और वहाँ की वो डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर थी दीगर पार्लियामेंटेरियंस थे उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनसे भी मिला और उन्होंने भी वादा किया कि वो हमारी हमायत करेंगे इसी तरह पेरिस में भी मुख्तलिफ लोगों से मिला और यूके में आप जानते हैं कि 8 जून को बरतानिया के इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ पर 1.2 मिलियन हमारे पाकिस्तानी कश्मीरी वोटर्स हैं जिनमें 1 मिलियन वो कश्मीरी वोटर्स हैं 11 हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन के मेंबर पार्लियामेंट हैं तो इसलिए मैंने वहाँ पर भी जो उम्मीदवार या जो पहले मेंबर पार्लियामेंट थे पार्लियामेंट डिसॉल्व होने से पहले जो ऑल पार्टीज कश्मीर कमेटी के मेंबर थे उनकी मैं हमारे कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए हमारे साथ हैं उनकी हमारे कर रहा हूँ और लास्ट जो ऑल पार्टीज कश्मीर कमेटी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसके हमारे 72 मेंबर्स थे और इंशाल्लाह ताला इस दफा हमारी जिद्दोजहद से वहाँ पर 100 से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट ऑल पार्टीज कश्मीर कमेटी में होगा जिससे वो जमहूरी मुल्क है पार्लियामानी निज़ाम है पार्लियामेंट की एक अपनी हैसियत है वहाँ पर भी वो करेंगे और मैं अपना कल हमारा वहाँ पे वो कैंडललाइट वो डिमोन्स्ट्रेशन है वहाँ पे व्हाइट हाउस के सामने उसमें अली जिलानी साहब भी मीरवाइज उमर फारूक साहब भी और यासीन मलिक साहब भी खिताब करेंगे मैं डॉक्टर फाई साहब दीगर लोग भी वहाँ पर होंगे तो मैं अपना कल वहाँ से होता हुआ परसों सुबह इंशाल्लाह 2-3 दिन फिर इंग्लैंड जाऊँगा और बाकी जो उम्मीदवारों के हल्कों में मैं नहीं जा सका उनके लिए भी जाऊँगा फिर मैं जब वाशिंगटन आया तो वहाँ पर मैंने स्टेट डिपार्टमेंट में 3 मुलाकातें की और उनका जो पॉलिटिकल विंग है उनसे भी ह्यूमन राइट्स का जो विंग है उनसे भी और जो टेररिज्म का विंग है उससे भी और उनको मैंने ये बताया कि ये अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि मसला कश्मीर हल हो क्योंकि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा उस वक्त तक ना तो मसला अफगानिस्तान हल हो सकता है
نہ ہی ساؤتھ ایشیا میں اس وقت تک امن اور سٹیبلٹی قائم ہو سکتی ہے لہذا یہ خود امریکہ کا انٹرسٹ ہے اور پھر کیپنگ ان مائنڈ دیٹ بوتھ کنٹریز آر دا نیوکلیئر پاورز اینی اسمال انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ کو ٹریگر اے وار آن دا لائن آف کنٹرول کیونکہ وہاں پہ جو پاکستان اور بھارت کی فوجیں ہیں لائن آف کنٹرول پہ وہ آئی بال ٹو آئی بال کھڑی ہیں اور کوئی چھوٹا واقعہ یا حادثہ ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے اور میں نے امریکنز کو بتایا کہ تین جنگیں پہلے انڈیا اور پاکستان کی ہو چکی ہیں لیکن وہ ٹریڈیشنل وارز تھی اب وہاں پہ دونوں کنٹریز نیوکلیئر پاورز ہیں اور مجھے کہتے ہوئے گاڈ فرگڈ میں اگر نیوکلیئر جنگ ہوئی تو وہ صرف وہ کشمیری نہیں وہاں پہ مارے جائیں گے صرف وہ سب کوآرڈینیٹ کے لوگ نہیں مارے جائیں گے بلکہ پوری دنیا تباہی کی لپیٹ میں آ سکتا ہے اس لیے میں نے امریکن سے کہا کہ وہ ہماری حمایت کریں اسی طرح وہاں پہ پاکستانی امریکن کانگریس ہے وہاں پر کانگریس میں انہوں نے ایک پروگرام رکھا اور مجھے خصوصی طور پر انہوں نے بلایا میں نے جو کانگریس مین تھے سینیٹرز تھے ان کو بھی میں نے بریفنگ دی پھر میں نے کل یونائٹڈ نیشنز میں میری دو ملاقاتیں تھیں ایک وہی پولیٹیکل ونگ اور ہیومن رائٹس اور اپنا پریونشن آف جینوسائڈ تو ان سے بھی میری ملاقاتیں تھیں یونائٹڈ نیشن سے بھی میں نے کہا کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو کشمیر کے ریزولوشنز یونائٹڈ نیشن میں دے آر اسٹل آن دا ایجنڈا آف یونائٹڈ نیشن لیکن آپ کوئی کام نہیں کر رہے بلکہ آج سے کوئی پانچ چھ مہینے پہلے جب بھارت نے کہا کہ یہ یو این ریزولوشن تو پرانے ہو چکے ہیں تو یو این کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی انان نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ ختم نہیں ہوئے وہ ایجنڈے پر شامل ہیں اس لیے میں نے ان سے کہا کہ اب وقت ہے کہ آپ اس پہ اپنا وہ کریں اسی طرح میں آج آپ کے ساتھ ہوں کل نیو یارک میں اسی طرح کا فنکشن تھا اور آپ اور ان کا جیسے میں نے کہا کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سب مل کے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں آپ نے یاسین ملک صاحب کو سنا آپ کو اندازہ نہیں کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشن میں گئے ہیں ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں ہم مختلف پارلیمنٹس میں گئے ہیں ہم سب پاکستانی اور کشمیری مل کے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو سلام پیش کر رہے ہیں تو ان کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے اور اس لیے 10 ماہ ہو چکے ہیں اور کوئی عام سٹرگل نہیں ہے صرف بھارتی وہ اپنا بربریت ہے ظلم ہے اس کے خلاف وہاں کے بچے پر سر پکار ہیں وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں ہماری ماؤں اور بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا ہر جگہ پر کردار ادا کرنا چاہیے اور جیسے دوست کہہ رہے تھے یہاں کے آپ کے سینیٹرز کانگریس مین ان سے بات کریں تاکہ وہ اس کے بعد امریکن حکومت سے بھی کہیں کہ وہ اپنا اس سسٹم میں کردار ادا کرے اگرچہ وہ ٹرمپ سے کو مجھے بھی زیادہ امید نہیں تھی لیکن اس کی جو یونائٹڈ نیشن میں امبیسیڈر ہے نکی ہیلی انہوں نے بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر پر میڈیشن کی آفر کی ہے پاکستان تو ہمیشہ میڈیشن کو ویلکم کرتا ہے لیکن بھارت وہ کسی بات پر بھی نہیں آ رہا اس لیے اب یہ ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اپنا کردار ادا کرے او آئی سی اپنا کردار ادا کرے اگرچہ پاکستان ہمیشہ جہاں کبھی بھی امہ کا معاملہ ہوتا ہے تو ان سے بھی زیادہ بڑھ کے ان کا ساتھ دیتا ہے لیکن کشمیر پہ امہ خاموش ہے صرف ایک وہ اپنا چھوٹا سا ریزولوشن پاس کر دیتے ہیں لیکن میں ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بھارت کے خلاف سینکشنز لگائے چونکہ مقبوضہ کشمیر میں اگر کسی مسلمان خاتون کی بے ہمتی ہوتی ہے تو وہ صرف کشمیریوں کا مسئلہ نہیں رہتا امہ کا مسئلہ بن جاتا ہے اگر وہاں پہ نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی حاج اور عمرے پر جانے نہیں دیا جاتا چراغ شریف کو شہید کیا جاتا ہے تو پھر یہ امہ کا مسئلہ بن جاتا ہے اس لیے امہ کو چاہیے کہ وہ بھی اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرے اور سب سے بڑھ کے یہ موقع تھا کہ پاکستان کی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ وہ سپورٹ کرے اگرچہ جیسے میں نے کہا کہ آپ اس وقت وہاں پر عام سٹرگل نہیں ہے
और इसलिए दुनिया की जो सपोर्ट है वो हमें हासिल हो रही है। मैं जब खुद प्राइम मिनिस्टर था तो मैंने अपने तमाम तर वसायल इस्तेमाल किए कि इंटरनेशनल मीडिया कुछ ना कुछ मसला कश्मीर पर दिखाए, लेकिन कोई इतनी कामयाबी नहीं हुई। लेकिन अब आप CNN देखें, फॉक्स देखें, BBC देखें, अल जजीरा देखें, जो भी आप जो अपने बड़े चैनल्स हैं वो देखें, वो सब कश्मीर पे अपना दिखा रहे हैं। वो जो कश्मीर में बर्बरियत हो रही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, वो सब वहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान में समझता हूँ कि पनामा लीक्स का इमरान खान ने जिस तरह जुरतमंदी के साथ बेहतर हिकमत अमली के साथ इस मसले को उठाया, लेकिन दो जो सीनियर जजिस थे उन्होंने तो उसे नायल करार दिया, तीन ने भी उसे को बरी नहीं किया। उन्होंने कहा कि JIT बनाते हैं, कुछ मजीद एविडेंस की जरूरत है, वो तो बात अभी चल रही है, वो इंशाल्लाह उसमें बेहतर होगा। लेकिन ये सिर्फ करप्शन की बात नवाज शरीफ की नहीं रही। नवाज शरीफ मोदी के साथ मिलके और ये जो पिछले दिनों मई में जिंदाल से उसकी मुलाकात हुई, वो बुनियादी तौर पे मिलके उनके जो कि एक वो स्टील और टाइकून है वो जिंदाल, जिसने मोदी और नवाज शरीफ की लाहौर में मुलाकात करवाई थी, उसने फिर उससे मरी में वो मुलाकात हुई। सब लोग हैरान थे कि क्या वो इतनी खुफिया मुलाकात, वजारत खारजा को भी नहीं उसमें एतमाद में लिया गया, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दीगर अदारे हैं, उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया। खुफिया मरी में क्या मुलाकात हुई तो पता ये चला, और फिर बिल्डिंग थैले से बाहर आ गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि जिस तरह पाकिस्तान की फौज और हमारे सिपा सलार ने उस गद्दार को वो फांसी दी थी कुलभूषण को, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उस पर स्टे दे दिया। और गालिबन यही नवाज शरीफ और जिंदाल का जो मिशन था, जो मुलाकात थी, वो यही थी। इसलिए नवाज शरीफ पर अब सिर्फ करप्शन नहीं बल्कि मैं समझता हूँ वो एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। इसीलिए पाकिस्तान के अवाम हर रोज इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं, पर मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में अब तब्दीली आने वाली है और इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। और न सिर्फ वहां से वो करप्शन का खात्मा होगा बल्कि सिक्योरिटी लेवल पर भी और दीगर मामलात पर भी। और इस वक्त सिर्फ इमरान खान ही पाकिस्तान के कायद हैं जो इस वक्त कश्मीर पर खुल के बात कर रहे हैं, हर जलसे में बात कर रहे हैं, मोदी को ललकार रहे हैं, और औरों से भी जो कश्मीरियों का हौसला बड़ा है। मेरा मकबूजा कश्मीर के लोगों से रबता है, मैं हमेशा रबते में रहता हूँ, वो भी मुझे कह रहे थे कि इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करें कि वो हर जगह कश्मीर की बात करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि जिस तरह वो नवाज शरीफ को उन्होंने वो करप्शन में एक्सपोज किया और दीगर मामलात में उन्होंने एक्सपोज किया, अब पाकिस्तान में तब्दीली आएगी और वहाँ पर जो करप्शन है उसका भी खात्मा होगा, जो वहाँ पे वो जुल्म होता है, जो नाइंसाफी होती है, जो अपने गरीबों का हक मारा जाता है, दीगर जो छोटे तबकात हैं उनका हक मारा जाता है, वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म होगा। और जब पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, क्योंकि हम जो कश्मीरी हैं हम हमारी ये हमेशा दुआ रहती है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला मजबूत और मुस्तहकम करे, क्योंकि एक मजबूत पाकिस्तान ही कश्मीर की आज़ादी का ज़ामिन है। और ये सूरत बनती जा रही है जिस तरह के नवाज शरीफ ने, मैंने कहा कि ऐसी मूवमेंट जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो स्पॉन्टेनियस भी है, डेमोक्रेटिक भी है और वो इंडिजिनस भी है, ऐसी मूवमेंट शायद अगर ये खुदा ना खास्ता इस मूवमेंट को कोई नुकसान पहुंचा दोबारा लोग नहीं उठेंगे। इसलिए मैं आपसे भी कहूँगा, मैं हर जगह जहाँ जाता हूँ, हर फोरम पर जहाँ जाता हूँ मैं कहता हूँ, और मैं आखिरी बात यही होगी कि मैं जहाँ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने लोग यहाँ पर जमा हुए मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ, आपने यकजहती का इजहार किया, यासीन मलिक साहब ने खुद वो देखा सुना कि हम मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं, उनके हौसले जिस तरह आपने बुलंद किए, इसी तरह
آئندہ بھی آپ لوگ اور بیرون ملک میں جتنے ہمارے پاکستانی کشمیری ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. مجھے یقین ہے اس بار یہ جو تحریک اٹھی ہے انشاءاللہ کامیابی سے ہم کنار ہوگی.